तो आज हम लोगों को लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड। इसके पहले जो सेमीकंडक्टर्स है कि कितने तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है, तो उसके लिए पहले दो लेक्चर्स में ये बात हो चुका है कि लाइट इमिटिंग डायोड के लिए हमको डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल की जरूरत है, जिसमें कंडक्शन एनर्जी लेवल से वैलेंस एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, जंप करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो उसमें लाइट इमिट होगा एंड दैट लाइट हैज सम एनर्जी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज एच न्यू फोटॉन। तो अच्छा, अब दूसरा ये कि जो फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये इस बात पर निर्भर करता है कि मटेरियल के अंदर गैप कितना है, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप का मतलब हो गया कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दैट इज ईजी। तो हमारे सुटेबल लाइट के लिए जो नेचुरली फाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके एनर्जी लेवल इतने नहीं है कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए क्या किया गया, लास्ट लेक्चर में आपने देखा टेलरिंग किया गया है ना। टेलरिंग का मतलब बैंड गैप टेलरिंग। कैसे हम बैंड गैप को चेंज कर सकते हैं, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन मटेरियल्स। जैसे उसमें हमने कहा कि यूनिटरी भी है, बाइनरी भी है, टर्शरी भी है, क्वार्टरली भी है। तो इस तरह से जैसे जैसे एप्लीकेशन होता है वैसे वैसे उस मटेरियल्स को डिजाइन करते हैं, उसके साथ जो फॉर्मुलेशन है और उसके साथ जो इक्वेशन है वो, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये चीजें पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। अब सीधे सीधे आते हैं कि एलईडी देखने में इतना छोटा लगता है वो कैसे बनता है, है ना, कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं कि उस डिवाइस एलईडी का स्ट्रक्चर क्या है। सो द एलईडी एमिटिंग डायोड इज मेड फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड GaAsP, और भी इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्राइड भी है, फास्फाइड भी है, एल्युमिनियम की भी डोपिंग होती है, एंड देयर इज अ सो मेनी टाइप ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड इनकैप्सुलेटेड इन अ ट्रांसपेरेंट हाउसिंग। ट्रांसपेरेंट हाउसिंग का मतलब कवर। एलईडी ध्यान से देखिए तो एलईडी के ऊपर एक कवर होता है ना, रेड कलर का कवर, ब्लू कलर का कवर, ग्रीन कलर का कवर, तो इस तरह के कवर होता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट हाउसिंग। तो उस सौ मतलब बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट मटेरियल्स को रखने के लिए दैट इज पुटिंग इन सम प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। और एक्शन क्या है, द पीएन जंक्शन इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन डायोड passes a current in forward direction। Circuit दिया है P type और N type semiconductor से मिलकर बना हुआ junction। ये this one is a PN junction है ना, ये PN junction। PN junction को इसको हम क्या कहते हैं, इस portion को क्या कहते हैं, what is this? CDR। CDR एकदम याद रखना चाहिए टिप पर, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सीडीआर रीजन। सीडीआर रीजन में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में देखिए ये निगेटिव वोल्टेज है और ये पॉजिटिव वोल्टेज है, और इसका एक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से मूव करेगा, होल इस डायरेक्शन से मूव करेगा, तो ये सीडीआर रीजन में ये रिकम्बाइन होता है इलेक्ट्रॉन होल से, और रिकम्बाइन होने की वजह से, रिकम्बाइन का मतलब हो गया कि जैसे हम आपको बता चुके हैं डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ये जंप किया तो इसमें एच न्यू फोटॉन ये उत्पन्न कर देता है। तो वही दिस प्रोसेस इज रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी जो है वो, ये एनर्जी बैंड गैप एनर्जी जो है वो फोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, और वेवलेंथ लेमडा इसका जो वेवलेंथ है ये 400 से लेकर के 800 माइक्रोमीटर के रेंज में यदि निकल जाए तो वो विजिबल लाइट हो जाएगा, तो वो आंख से दिखने लगता है।
इस फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के सर्किट को हम सर्किट सिंबल के रिस्पेक्ट में बनाएं, तो ये आपका हो गया एलईडी, दिस इज योर एलईडी, है ना। एलईडी में पहले जो है ये डायोड का सिंबल होता है ना, और इस सिंबल के अंतर्गत, दिस इज नॉर्मल डायोड, इस सिंबल के अंतर्गत इस तरह से इमिटिंग लाइट हम बना दें, दिस इज एलईडी, तो ये एलईडी हो गया। अब कितने फोटॉन्स निकलेंगे, कितने फोटॉन्स निकलेंगे मींस क्या इंटेंसिटी होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट आई, आई का मतलब क्या हो गया कि दिस करंट आई, आई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो करेंगे, आई कम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और उसके हिसाब से फोटॉन की संख्या कम होगा। तो ये एक सर्किट हो गया आपका एलईडी का। अब इसके लिए जो डिवाइस है वो डिवाइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, डिवाइस स्ट्रक्चर को सीधे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, और आप इसको लिख लीजिए कि दिस इज योर होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट के रूप में आप इसको सबमिट करिएगा गूगल क्लास में अपना। अब देखिए क्या है इसमें, इतने सारे लेयर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लेयर्स हैं इसमें। अब 9 लेयर्स की क्या जरूरत हो गई कि इतना छोटा सा एलईडी और उसमें 9 लेयर्स हैं। तो 9 लेयर्स का जरूरत इसलिए पड़ा कि जब लाइट को, एक तो लाइट जो उत्पन्न हो रहा वो लाइट प्रोपोगेट हो, जो लाइट उत्पन्न हो रहा वो प्रोपोगेट हो, प्रोपोगेट होने का मतलब कि वो एब्जॉर्ब ना हो, वो प्रोटेक्ट रखा जाए और फिर उसका यूज किया जाए। तो उसके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेयरिंग की जाती है कि लाइट जो है पेनिट्रेट ना करे, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो देखिए इसके जो पहला लेयर है, नीचे से हम चलते हैं, इफ इट इज, दिस इज द फर्स्ट लेयर, तो इसको कहते हैं मेटल एंड दिस इज इलेक्ट्रोड एंड इट इज बेस, ठीक है। तो ये पहला जो लेयर है ये मेटल का होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। और दूसरा लेयर है स्ट्रिप इलेक्ट्रोड, तो दो लेयर है। अब ये जब भी आप एलईडी देखिए, एलईडी आपने देखा है तो एलईडी को ये एक कवर होता है कैश जिसमें, और इसमें दो पॉइंट इस तरह से निकले होते हैं, तो ये दीज टू आर द इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड तो पहला लेयर का हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे देखिए स्ट्रिप का लिया लेयर हो गया। अब इसके बीच में कितने लेयर्स हैं, उसके बाद दूसरा लेयर कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब कि उसमें SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का एक वेफर होता है, दैट इज कन्फाइंड ओवर देयर, वो मेटल के ऊपर। देन देयर इज ए क्लैडिंग, थर्ड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड हियर इट इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को क्लैडिंग करते हैं, क्लैडिंग का मतलब होता है जैसे तार है, बिजली का तार है, उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक का, और अर्थ न्यूट्रल डिटेक्ट करने के लिए कहते हैं ये लाल रंग का तार है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, तो दैट प्लास्टिक मटेरियल इज क्लैडिंग, जो ऊपर से कवर होता है, प्रोटेक्टेड सीथ है ना, उसको कहते हैं। तो ये क्लैडिंग वर्ड ज्यादा फेमस है फाइबर में, फाइबर ऑप्टिक्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कोर क्लैडिंग करते हैं, कोर क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग मतलब कोर से लाइट पास होता है और क्लैडिंग रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है कि उस पर्टिकुलर कोर वाले मटेरियल को प्रोटेक्ट करने और लाइट को बाहर जाने से रोकना, रिफ्लेक्ट करना। तो यहाँ पे भी लाइट है इसलिए इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्शन करने के लिए जो इनर्जी बैंड है दैट इज 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लैडिंग का। उसके बाद कन्फाइनिंग गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड, देखिए एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, गैलियम आर्सेनाइड सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में मेटल्स को डाल दिया, सिलिकॉन में मेटल को डाल दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, बैंड गैप घटेगा,
तो वो बैंड गैप घट के 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्फाइंड हो गया। ठीक है, अब अगेन दैट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन गैलियम आर्सेनाइड का सीडीआर रीजन है एक तरीके से। दिस वन इज द फोर्थ एंड हियर इट इज द फिफ्थ। फिफ्थ इज सीडीआर रीजन जहां पे एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन है होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव लेयर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव लेयर जहां रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन के बाद से यू सी देयर इज ए इमिशन ऑफ लाइट। ये लाइट यहां से निकलता है। तो दिस वन इज ए कन्फाइंड गैलियम एल्युमिनियम कन्फाइंड और ये पी टाइप मटेरियल रहता है और देन हियर इट इज एन टाइप मटेरियल होता है। लेयर ऑफ पी टाइप मटेरियल एंड लेयर्स आर एन टाइप मटेरियल्स। और फिर ये क्लैडिंग। फिर क्लैडिंग का मतलब अगेन प्रोटेक्टिंग द लाइट। एंड देन द फाइनली देयर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब कि जो कुचालक होता है उसको कर देते हैं जिससे कोई असर न पड़े। एंड देन इपॉक्सी मतलब वर्टिकल ग्रो करते हैं। इपॉक्सी मतलब वर्टिकल ग्रो करते हैं। एंड देन देयर इज ए स्ट्रिप इलेक्ट्रोड। देयर इज इलेक्ट्रोड। तो मेनली इस एलईडी को समझना है तो आपको तीन बात ध्यान में रखना है। एक, वो जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो। रिकॉम्बिनेशन कहाँ है? जैसे फॉरवर्ड बायस पहला वाला सर्किट हम जो पीएन जंक्शन ये बनाए हैं, इस पीएन जंक्शन में पी टाइप और एन टाइप और बीच में इसी डायोड को जरा हम वर्टिकल बना देना तो ये हो जाएगा। दिस इज योर वर्टिकल। तो ये कंबाइन हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? पी है और ये एन है। ये पी है और एन है। और इसमें पी में अब ये पी में कई लेयर्स बन गए। यू सी सब्ट्रैक्ट क्लैडिंग कन्फाइंड। तो ये पी में तीन लेयर हो गए। फिर एक्टिव रीजन जहां पे कन्फाइंड हो रहा है ये। और उसके बाद फिर एंड रीजन। एंड रीजन में क्या है? उसी तरह से कन्फाइंड क्लैडिंग। तो ये क्लैडिंग, क्लैडिंग का मतलब होता है जैसे रिफ्लेक्टर है, ये मिरर लगा दीजिए और यहाँ मिरर लगा दीजिए तो लाइट आएगा तो क्या होगा? इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से लाइट आएगा तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस वन इज एक्शन ऑफ क्लैडिंग। तो ये जो पीएन जंक्शन होता है उसके बाहर साइड में ये क्लैडिंग मटेरियल्स हो जाते हैं। इसलिए क्लैडिंग देखिए एक यहाँ पे रखा गया है और एक यहाँ पर, मतलब एक पी साइड में है और दूसरा एन साइड में है। और क्लैडिंग के बाद इंसुलेशन। क्लैडिंग के बाद इंसुलेशन ताकि वहां से कोई करंट लीक ना हो जाए, है ना। जैसे तार है, तार अंदर देखिए कॉपर वायर होता है और फिर बाहर इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो एलईडी में अब ये एलईडी जिसे हमने कह दिया कि दिस इज द एलईडी विच इज अवेलेबल इन मार्केट, ये एलईडी है। तो इस एलईडी में आपका यहाँ से लाइट निकल रहा है, देयर इज ए लाइट एमिशन। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी जो एलईडी है इसका ये एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक जो होता है पी टाइप, दूसरा एन टाइप और तीसरा एक्टिव, एक्टिव में सीडिया। तो ये जो फॉरवर्ड बायस का स्ट्रक्चर है इट इज द सिंपल, ये सर्किट का है और डिवाइस का स्ट्रक्चर ये है। तो आपको दिस डिवाइस स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट और एग्जामिनेशन में यही आता है कि ड्रॉ द डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो जैसे ही एक्सप्लेन इट वर्किंग करेंगे वैसे ही आपको नाम लेना पड़ेगा कि दिस इज डायरेक्ट बैंड गैप मटीरियल, DBGM। DBGM मटेरियल का यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन से वैलेंस बैंड होता है और तब इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करता है और एच न्यू फोटॉन इमिट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन में फॉरवर्ड करेंट जब फ्लो होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बाइन के बाद यदि क्रॉस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विजिबल रेंज में आ जाए, मीन्स 400 से लेके 800 माइक्रोमीटर के रेंज में आ जाए तो वो आंख को दिखने लगता है। तो इस तरह से ये यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो रेडिएशन हो और आंख से ना दिखे उसको एलईडी नहीं कहेंगे, वो भी एलईडी है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलईडी। और उसके उसका एप्लीकेशन जो है, जो एलईडी हम आंख से देखते हैं उससे ज्यादा होता है ना। अभी बताते हैं एप्लीकेशन में कि कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है।
दूसरा है एलईडी मटेरियल है फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है किस आधार पर बनाया है? पहला कि जो मटेरियल हम लेते हैं उसमें एबिलिटी टू फैब्रिकेट पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन उसके साथ बन सके. दूसरा क्या है इंजेक्शन एंड लुमिनस लुमिनिसेंस इफिशियंसी. लुमिनिसेंस इफिशियंसी पिछले बार एक फॉर्मूले से हमने निकाला भी था कि एफिशिएंसी में एटा इज इक्वल टू पी जीरो अपॉन ऑन इनटू 100 है ना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 इज योर एफिशिएंसी. तो लुमिनस एफिशिएंसी कितना है मतलब कितना वॉट का लाइट आपको मिल रहा है. एंड देन द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इजी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि इजी में रखते हैं तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बैंड गैप, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.25 माइक्रोमीटर. तो 1.25 माइक्रोमीटर ये क्या है, ये तो बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम वेवलेंथ है जो आंख से दिखेगा नहीं. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं. और ये जो नैनोमीटर है, दिस वन इज नैनोमीटर 400 से, तो ये कहाँ जगह होगा 0.4 से लेके 0.8. तो 0.4 से लेके 0.8 और यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा 1.24 माइक्रोमीटर. तो 1.24 माइक्रोमीटर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हायर वेवलेंथ, और हायर वेवलेंथ रेड, रेड के बाद इंफ्रारेड, रेड के बाद इंफ्रारेड. तो वो जो लाइट इमिट होगा वो इंफ्रारेड मटेरियल्स की लाइट होगा. तो ये है आपका एलईडी का सर्किट, एलईडी का स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेजेस. अब आते हैं एलईडी जो यूज करते हैं उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है जिसे उसका एप्लीकेशन हम डिसाइड करते हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी. और एडवांटेज में पहला एडवांटेज है कि एलईडी आर एक्टिव एक्टिव एंड सेल्फ इमिटिंग डिवाइस. दूसरा क्या है लो पावर, है ना, दूसरा क्या है लो पावर. लो पावर का मतलब माइक्रोवाट डिवाइस हो जाता है. तीसरा अवेलेबल इन ऑल कलर, अवेलेबल्स इन ऑल कलर्स. दूसरा है इट इज पॉइंट सोर्स. जो आपने वहां पढ़ा है लाइट में कि एक्सटेंडेड सोर्स और पॉइंट सोर्स का कॉन्सेप्ट में, तो दिस इज ए पॉइंट सोर्स ऑपरेटिंग ऑन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इट इज मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज रीजन में भी ये ऑपरेट हो सकता है. और इनएक्सपेंसिव, है ना, एक बार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया तो बहुत कम पैसे में ये बनता है, एज वेल एज फिजिकली ए मिनिएचर डिवाइस का मतलब साइज में छोटा, बहुत छोटा आजकल आ रहा है. एंड यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, ऑल्सो यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, है ना. फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में यूज होने के पीछे रीजन क्या है, लो वॉटेज, बहुत कम पावर यूज होता है. इतने सारे एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज है
disadvantage of LEDs. क्या है डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज है कि कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू इज 1.4 वोल्ट. दिस इज 1.4 वोल्ट इज कट ऑफ वैल्यू. और ये कम है. एलईडी इज नॉट यूज लो स्पीड कम्युनिकेशन, है ना, not used in low speed communication, है ना, और it is incoherent. सर ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जैसे संचार होता है ना, टेलीफोन का, मोबाइल का, ये सारा कम्युनिकेशन डिवाइसेज है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई स्पीड, है ना, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं हाई स्पीड. तो हाई स्पीड में ये लो स्पीड के लिए होता है. हाई स्पीड के लिए क्या हो जाता है? लेजर टेक्नोलॉजी, है ना. तो और तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये जो सोर्स इमिट करता है वो इनकोहरेंट होता है. जो सोर्स इमिट करता है वो इनकोहरेंट होता है. तो कोहरेंट सोर्स कौन सा होता है? आप जानते ही हैं कि यहाँ पे केवल हिंट हम दे देते हैं, इसको डिस्कस बाद में किया जाएगा, लेजर. ठीक है, और इसलिए लेजर जो होता है हाई स्पीड की जगह, लो स्पीड की जगह पे क्या होता है? हाई स्पीड. और इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के हाई स्पीड के लिए आपका लेजर का उपयोग करता है इन प्लेस ऑफ द एलईडी. ठीक है, नाउ डिटेल एप्लीकेशन. एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, देन एप्लीकेशंस ऑफ एलईडीज. तो पहला एप्लीकेशन है ऑन ऑफ के लिए. इट इज इंडिकेटर स्विच. इंडिकेटर स्विच किसमें? ऑन और ऑफ के लिए. ऑन ऑफ के लिए इस इंडिकेटर स्विच ऑन ऑफ के लिए कहां पे? इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना. जैसे कोई भी आप देखते हैं आजकल घर में एक बोर्ड है और उस बोर्ड में एक छोटा सा एलईडी भी लगा होता है. दूर से ही लाल रंग की एलईडी जलती है तो लगता है कि उसपे घर में बिजली है. और रेड एलईडी यूज्ड इन दी वार्निंग सिग्नल, है ना. वार्निंग सिग्नल के लिए, जैसे रेलवे के अंदर, जैसे ट्रैफिक लाइट के अंदर वार्निंग सिग्नल के रूप में ये आता है. तो आपके हाँ, ग्रीन एलईडी भी यूज होता है डेफिनेटली. किसका टाइम ज्यादा हो यूज होता है, रेड का कि ग्रीन का? रेड सर. क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. वेवलेंथ बड़ी होती है सर. वेवलेंथ ज्यादा होती है और कम होता है सर उसमें. और रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होती है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग बहुत कम होती है रेड लाइट की. यूज्ड इन द वेरी ब्राइट डिस्प्ले. वेरी ब्राइट डिस्प्ले इन एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी. ठीक है, एडवर्टीजमेंट की जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें बहुत ब्राइट लाइट यूज करना है तो ये यूज किया जाता है. और लाइफ टाइम ऑफ एलईडी सोर्स इज वेरी
वेरी लार्ज, है ना, वेरी वेरी लार्ज, मतलब जो लाइफ टाइम एलईडी सोर्स का है वो लगभग 1 लाख आवर्स, 1 लाख आवर्स के आसपास होता है। मतलब एक एलईडी बल्ब है, आप लगा दीजिए तो वो जलता रहेगा, वो फ्यूज होने जैसे कोई चीज नहीं होगा। और आपने थोड़ा सा और देखा भी होगा तो एलईडी बल्ब कभी मतलब खराब तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से खराब भी नहीं होगा। यदि खराब होता है एलईडी बल्ब तो आप उसको खोल करके देखिए। हाँ सर, ये इक्वल के पहले क्या चीज, लाइफ टाइम टी टाउ, इट इज बेसिकली नोन एज टाउ, ठीक है, इट इज बेसिकली नोन एज टाउ। थर्ड पॉइंट समझा दीजिए। थर्ड इज एज टर्निंग ट्यूनिंग इंडिकेटर इन रेडियो। जैसे एक तो रेड लाइट का हो गया सिग्नल सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में रेड लाइट ज्यादा यूज होता है इन प्लेस ऑफ ग्रीन। तो जो आपने कहा ना कि वेवलेंथ, दैट इज करेक्ट, लेकिन हम और कुछ जानना चाहते थे जिसको आप मिस कर रहे थे, वो ये कि आप मान लीजिए किसी क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो जितने टाइम जाने का मिलता है उतना टाइम स्टॉप का है कि कम है। क्या सर? उससे ज्यादा होता है स्टॉप का ना। ग्रीन एलईडी दिखता है क्या उतने ही टाइम तक रेड दिखता है कि रेड ज्यादा दिखता है? सर रेड ज्यादा दिखता है, वेवलेंथ ज्यादा है, रेड तो तुरंत चलता है। चौराहा है ना, तो चौराहे में चार रास्ते हैं, तो 25% ग्रीन दिखेगा और 75% रेड दिखता है, वार्निंग सिग्नल है ना। वार्निंग सिग्नल में भाई एक जगह एक साइड ब्लॉक करते हैं, दो साइड तीन साइड ओपन करते हैं, तो जो तीन साइड ओपन कर रहे हैं वो जहां यदि एक एक करके ओपन कर रहे हैं तो मान लीजिए जो पूरा एक चक्कर का टाइम ले तो 25% जो है वो ग्रीन मिलेगा और 75% माने मान लीजिए 20 सेकंड के लिए ग्रीन किए हैं तो 60 सेकंड के लिए वो क्या करेंगे, रेड करेंगे, ठीक है। टोटल चारों चौराहे पे 20 सेकंड का यदि वो टाइम स्लॉट दे रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है सिग्नलिंग सिस्टम में कि कितनी स्लॉट दिया जाए। तो 20 सेकंड का स्लॉट यदि है तो चार चौराहे हो गए तो 20 20 20 20, टोटल 80 सेकंड में एक साइकिल पूरा होगा, तो ग्रीन आपको केवल 20 सेकंड मिलेगा और 60 सेकंड आपको रेड लाइट मिलेगा। तो वार्निंग सिग्नल का जो टाइम है वो रेड का ज्यादा होता है, वो ठीक है कि डेंजरस जो होता है वो रेड का है क्योंकि दूर तक इंडिकेट करता है, ठीक है। दूसरा है ट्यूनिंग, ट्यूनिंग इन रेडियो। रेडियो तो आजकल आप लोगों से कहा जाए रेडियो तो भी नहीं समझ पाएंगे कि रेडियो क्या होता है, क्योंकि आपके जनरेशन में रेडियो देखा ही नहीं, आपके जनरेशन में तो केवल ट्रांजिस्टर देखे हैं। लेकिन उसमें भी जो ट्यूनिंग की जाती है, पुराने अभी आ रहे हैं तो उसमें एक इंडिकेटर होता है, जो फ्रीक्वेंसी मैच कर गया जहां पे आवाज क्लियर होने लगा वो क्लियर ट्यूनिंग हो जाता है कि यस इट इज द मैचिंग फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज इट इज नॉट ब्राइट, ठीक है। और वेरी ब्राइट डिस्प्ले इन एडवर्टीजमेंट, आजकल बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं चौराहे पर रात में और स्पेशल टाइम पे लगाए जाते हैं लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। और दूसरा लाइफ टाइम, मैंने एलईडी जो बल्ब है वो काफी दिन तक चलता है, ये कह रहे हैं वेरी वेरी लार्ज मीन काफी दिन तक चलता है। तो देखिए चीप एंड बेस्ट हो गया ना, एक तो सस्ता हो गया, ज्यादा दिन चल भी रहा है, और दूसरा पावर कंजम्पशन भी कम है, माइक्रोवाट पे है ना, माइक्रोवाट रीजन में ये पावर कंज्यूम करता है, जबकि 100-200 वाट। तो टेक्नोलॉजी बदला, फिलामेंट बल्ब से CFL और CFL से LED आ गया, CFL से क्या हो गया LED आ गया, तो पावर कंजम्पशन कम हो गया, तो पावर प्रोड्यूस, पावर सेफ इज पावर प्रोड्यूस, तो ये एक नारा दे दिया गया इसको लेकर के, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर LED। अब इसमें एक और पार्ट हो जाता है, दैट इज मल्टी कलर, मल्टी कलर LED। ये मल्टी कलर LED कैसे होता है, यदि हम सर्किट देख लें, इफ दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज
having a resistance, then there is two diodes. Here it is grounded. So this diode is say DA and this diode is DB. This diode is DB. So if this point is positive potential, this point is positive potential, so current flow in this direction. Current flow in this direction. So this is P type, here it is N type. Then it is forward bias. Then it is forward bias. So you have the light from this part. You have light from this part. And for this case, here it is N. Here it is N and this is your P. So this is your reverse bias. So in this case, there is a no light. No light. Similarly, if we change this one, is the potential is V, it is minus potential, and then there is a resistance. Here it is resistance R, and now it is the same set of the current is flowing over there. So in this case, what will happen? You see, here it is the direction of current. So direction of current is in this way. So this is forward bias. This is forward bias, means D, diode B is forward bias and diode A is in reverse bias. Diode A is reverse bias. So from this diode, there is a current. There is a current and there is a light. H nu photon. Here it is H nu photon. So what you have in one circuit? In one circuit, there is different color. There is different color in a different time frequency. If this one is a red LED, red LED, so you get the red light. And if this is the green LED, green LED, so it is the green light. So one set, what will change is alternatively at this point is positive potential. You are applying this to the positive potential. So when there is a positive potential, you will get the red light. So the action is at positive potential DA forward bias mein hai, and you will get the red light. Okay, the first point is this one. The second point is at negative potential, DB is forward bias. DB is in forward bias. And therefore, there is a green LED and therefore green light. Therefore, the green light. So what do you find? You have red light for one positive cycle and there is a green light in other positive cycle. Means if there is a change in potential, across the terminal, then you will get different colors. Or advertisement mein aur Deepavali mein jo alag se jhalar lagaye jate hain, wo yahi hai. Uski physics yahi hai. Ki aapne jhalar laga diya aur uske baad ek master switch kehte hain. Ki isme ek master switch laga dijiye. Aur is master switch ke lagane se usme ek alag hota hai. So that master switch is nothing but it is the switching. इसके लिए क्या करते हैं, देयर इज ए मास्टर स्विच, वाले में रिवर्स बायस्ड होगा ना. हां सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. एट नेगेटिव पोटेंशियल में डीबी रिवर्स बायस्ड होगा ना. डीबी नेगेटिव, डीबी तो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस होगा, तभी तो लाइट मिलेगा ना उसमें. रिवर्स में तो लाइट नहीं मिलेगा ना. डीए में रिवर्स होगा.
हाँ सर एक है ना which is changing which is speed changer of potential ठीक है potential तो जो स्विच मास्टर स्विच लगाते हैं वो मास्टर स्विच लगाने की वजह से उसके झालर में जो अलग अलग कलर्स हो जाता है वो आपको कलर दिखने लगता है सो दिस इज द वे टू डेकोरेट योर हाउस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम बाय यूजिंग मास्टर स्विच तो मास्टर स्विच लेकर के ये काम ऐसे ही करते रहते हैं ठीक है इज इट ओके रेजिस्टेंस कहाँ होता है रेडियो में